please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पटना में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ अपने सरकारी बंगले के बाहर मीडिया से बात करते दिखे। इस दौरान उन्होंने एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग होने का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मांझी ने एनडीए छोड़ महागठबंधन में जाने का ऐलान कर दिया। हम लोगों में बात हो गई है और हम महागठबंधन में जाएंगे। जीतन राम मांझी का मुद्दा बिहार विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ने उठाया और उनके कार्यकाल की तारीफ की। मांझी जी बिहार के एक बड़े नेता हैं, दलितों के नेता। मंगलवार को लालू यादव के करीबी आरजेडी नेता भोला यादव ने दलित नेता जीतन राम मांझी को महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने आरजेडी नेताओं के महागठबंधन में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया। एनडीए में नीतीश कुमार के दोबारा शामिल होने के बाद से ही जीतन राम मांझी बीजेपी पर अनदेखी का आरोप लगाते रहे। यही वजह है कि जीतन राम मांझी के बहाने कांग्रेस को भी नीतीश सरकार और बीजेपी पर सियासी हमला करने का मौका मिल गया। दिनों से उनके मन में असंतोष था, तो सही किया है, एक सही फैसला किया है। नीतीश जी की सरकार के साथ कोई रहना नहीं चाहता है, चूंकि ये बहुत तेजी के साथ अनपॉपुलर हो रहे हैं। वहीं एनसीपी ने भी इस बहाने पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। आने वाले 2019 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उनको जीत नहीं दे सकती है। एनसीपी नेता ने यह भी दावा किया कि बीजेपी की दलित विरोधी छवि की वजह से एनडीए के सहयोगी दल अब असहज महसूस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली के अधिकारियों से जुड़ी कुछ क्लिप दिखाई गई। ये क्लिप्स मारपीट कांड से जुड़ी अधिकारियों की बयानबाजी पर आधारित थी, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ने अधिकारियों को घेरा। इससे पहले डिप्टी सीएम की एक चिट्ठी ने भी एलजी और सरकार के बीच तनातनी बढ़ा दी। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए। राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए जो भी अधिकारी इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। लगे हाथ आम आदमी पार्टी ने एलजी अनिल बैजल को भी निशाने पर लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं कि मामला सुलझे। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हुई मारपीट की घटना को करीब एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये विवाद सुलझने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी भी लगातार जारी है। अधिकारियों के इसी रवैये को लेकर डिप्टी सीएम ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि दो दिन पहले मैंने आपको कुछ अधिकारियों को मंत्रियों की मीटिंग में आने का आदेश देने का अनुरोध किया था, लेकिन इसके जवाब में आपने कल मुख्यमंत्री को ही नसीहत भरी चिट्ठी भेज दी। इससे जाहिर है कि आप आईएएस यूनियन के उस फतवे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जिसके तहत जूनियर अधिकारियों तक को मंत्रियों से बात न करने, मीटिंग में न जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आपकी ये चिट्ठी मंत्रियों की मीटिंग का बहिष्कार कर रहे, फोन व्हाट्सएप पर भी मंत्रियों का जवाब न दे रहे अधिकारियों को एक तरह से अभेदान है। हालांकि इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन न मिलने का मसला भी उठाया, जिसके लिए उन्होंने आईएएस अधिकारियों को कसूरवार ठहराया, जिसका जवाब देने में आईएएस एसोसिएशन ने भी देर नहीं लगाई और फिर सीएम और डिप्टी सीएम से माफी की मांग की। हम तब भी अपनी डिमांड जो कि स्पेसिफिक अपॉलॉजी है रिटन एंड पब्लिक फ्रॉम सीएम एंड डिप्टी सीएम पे बरकरार रहते हैं। जिसके बाद एलजी अनिल बैजल ने भी ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की और उनको दोबारा भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन के बीच भरोसा बहाल करने के लिए मेरा पूरा समर्थन है। कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए कहा गया है, जनहित में जरूरी है कि सब लोग मिलजुल कर सम्मान के साथ और सुरक्षित तरीके से काम करें। खबर है कि 50 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं चुकाने वालों की सीबीआई जांच हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीरव मोदी मामले के बाद बैंकों का 50 करोड़ से ज्यादा का लोन न चुकाने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले के तहत सीबीआई जांच हो सकती है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कांची मठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर कर उनके निधन पर दुख जताया। नागालैंड में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सुरक्षा बल की एक गाड़ी हादसे का शिकार होने की वजह से एक जवान की जान चली गई। यूपी के वृंदावन में होली के मौके पर विधवा आश्रम में महिलाओं ने फूलों की होली खेली। झारखंड के रांची में रिम्स अस्पताल में सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी के बरेली में होली के मौके पर हरियाणा से बिहार लाई जा रही करीब 20 लाख रुपए की शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा में चल रहे ताज महोत्सव के समापन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल हुए।
बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया।